बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रशासन के प्रति छात्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन सिंह द्वार पर छात्रों द्वारा किया गया। बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में उमंग फार्मेसी के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उमंग को अनुचित 2.44 करोड़ रुपए का लाभ देने का आरोप लगाया। इसके पहले भी छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी आजाद के नेतृत्व में छात्रों ने कुलपति महोदय को केंद्रीय कार्यालय में जाकर कार्रवाई की मांग के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा था। इसी संदर्भ में छात्रों ने मांग किया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त उमंग फार्मेसी पर तत्काल कार्रवाई करें तथा उसके द्वारा लूटे हुए पैसों की रिकवरी करें, जिससे बीएचयू की साख बची रहे। सिंहद्वार पर छात्रों ने विवेक सिंह प्रिंस और कुलदीप तिवारी के नेतृत्व में पुतला दहन किया। पुतला दहन करने में मुख्य रूप से विवेक सिंह, अभिषेक सिंह, कुलदीप तिवारी, पतंजलि, आशीर्वाद, सुशील, आनंद तिवारी, विकास यादव, अभय सिंह, नील, दुष्यंत, सौरभ राय, राहुल पांडे, आकाश द्विवेदी, चिन्मय आदि छात्र मौजूद थे। सीएजी ने रिपोर्ट दी है, एक विश्वविद्यालय में सुंदर अस्पताल है, उसमें एक निजी दुकान है उमंग फार्मेसी करके, उस दुकान ने 2.44 करोड़ रुपए का घोटाला किया है विश्वविद्यालय के साथ। सीएजी ने बार बार दबाव बनाया कि उसको जो है कि आप लोग रिकवरी करें, बंद करें, प्रशासन इस पर मौन है। और इस संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था पिछले दिनों कुलपति महोदय के कार्यालय में, और उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी कि विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है, इस पर उसको कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों को। उसी संदर्भ में आज तक कुछ नहीं हुआ, तो उस दौरान पुतला दहन हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासन का, और हम लोगों ने चेतावनी दिया है कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग विरोध आंदोलन करेंगे।